विकासखंड गोवर्धन की ग्राम पंचायत नैनूपट्टी में किसान शरारती तत्वों के कहर से परेशान हैं। यहां किसानों की फसल और इंजनों को अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब तक शरारती तत्वों के द्वारा 3 से ज्यादा इंजनों को बोरिंग में गिराया जा चुका है। वहीं प्लास्टिक के पाइप तोड़े जा चुके हैं और कई सामान भी चोरी हो गए हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ऐसी ही एक घटना 16 दिसंबर की रात को हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक किसानों के इंजनों को बोरिंग में गिराकर तोड़ दिया गया। सुबह किसान अपनी फसल को देखने पहुंचे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। आनन फानन में ये खबर गांव के और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही 112 डायल पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं किसानों के द्वारा इस मामले में थाने में तहरीर दी गई। किसानों ने कहा कि इंजन और फसल को तहस नहस करने की कोशिश की गई है। उन्हें डर है किसी दिन रात्रि के वक्त खेतों की रखवाली कर रहे किसान को जान माल का नुकसान न हो। शासन प्रशासन से किसानों ने अनुरोध किया कि इस तरह की दुखद घटनाओं को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान किसान अतर सिंह, नेत्रपाल, चेतराम, सूरजा, नरपत सिंह, बनय सिंह, राजेंद्र, ओम प्रकाश, अमित कुमार, विजय सिंह, जवाहर सिंह, पप्पू, राजवीर, टीकम सिंह आदि किसानों ने नुकसान के एवज में शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश। ये कौन सा गांव है? ये गांव नगलाबारी, मौजा नैनूपट्टी, सौंक देहात। तो क्या घटना हुई है यहां पर? घटना ये है सर, यहां जो है आज की रात में जो है, आज क्या तारीख है भाई? 16 तारीख है। आज 16 तारीख है। रात्रि में कुछ लोग आए, देखे तो किसी ने नहीं है, लेकिन ये नुकसान सबको जो है सवेरे पता लगा है। एक बुर्जी का जो है सारे बंधन काट करके उस भूसे को फैलाया गया, कुछ लाख की फसल तोड़ी गई और 2 इंजन किसानों को जो है कुएं में गिराए गए जिन पे इंजन लगे हुए थे। कुछ चोरी भी हुआ क्या? जी, सामान तो कुछ चोरी नहीं गया, लेकिन टूटा हुआ एक इंजन की 2 फिलंचे जो ड्राइवरी में कसी होती हैं पानी के लिए, वो लेकर चले गए। पाइपलाइन 2 और तोड़ी गई है, जो है ईयर के लिए लगा होता है पाइपलाइन में, वो 2 पाइप तोड़े गए हैं, 20-20 फुट के लगभग लंबाई होगी उनकी। तो आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है? जी, पुलिस को सूचना दी गई, 100 नंबर जो है यहाँ आकर के देख भी गई है। उसके बाद वो लोग चले गए और उन्होंने कह दिया कि थाने में आके तहरीर दे देना, ऐसे बोल के वो लोग चले गए। तो किन का काम हो सकता है ये? जी, इसके बारे में हम क्या अंदाजा लगाए, या बाहर के लोग हैं या कहाँ के लोग हैं, कैसे, किसी ने देखा तो है नहीं है, इसमें क्या अंदाजा हम लगा सकते हैं। आज ये तीसरा हमला है हमारे गांव में, जो है पहले भी जो है नहर पे काफी इंजन गिराए गए, 4-5 इंजन लोगों ने निकाल करके रखे, दोबारा से चालू करें। उसके बाद में बीच में 2-1 इंजन और इनका अतर सिंह जी का गिराया गया, वही गांव के नजदीक है, वो भी हमारे गांव के लोगों ने खड़ा किया, सीधा किया, चालू किया। फिर ये तीसरी बार का हमला है, अब इसमें कैसे अंदाजा लगाया जाए? किसान जंगल में भी सोते हैं, हो सकता है किसी दिन किसी किसान पे भी हमला हो सकता है साथ में इनके। और क्या वो हथियार रखते हैं? ये हमने देखा तो किसी ने है नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े चिंतित हैं, विशेष परेशान है, हो सकता है किसी आदमी पे भी किसी दिन घटना हो जाए। तो मैं ये चाहूंगा प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, मीडिया वालों से भी कहूंगा कि इसको खबर को अच्छी तरह से दिखाएं, इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग खुद चिंतित हैं, पता नहीं हमारे किसी आदमी पर किसी दिन हमला हो जाए तो क्या होगा। आपका? मेरा नाम अतर सिंह। कौन सा गांव है ये? रेगला बारी है। तो जो घटना हुई है इसके बारे में बताएं, क्या समस्या है? देखो, ये घटना आज से 15 दिन पहले भी हुई थी। यहाँ पे जो हमारे ट्यूबवेल है, इंजन जिन्हें कहते हैं, वो बोरिंग पे रखे हुए होते हैं, उनमें चूड़ी डली हुई है, जो कुआ टाइप के बनाए उनमें आते हैं और उनको ढकेल जाते हैं। बाकी ये मालूम नहीं है कौन लोग है कौन नहीं है। वो 15 दिन पहले भी हुआ है और ये आज भी हुआ है, 16 तारीख में रात में हुआ है, ये तीसरा हमला है। और पोल जहाँ गायों के लिए लोगों ने लगा रखे हैं, पार कसी के लिए, उनको डाल जाते हैं तोड़ तोड़ के, लहा की फसल को तोड़ के गए हैं, और जो हमारे पाइप खड़े हैं उनको तोड़ के गए हैं, बुर्जी फाड़ी है उनके ऊपर, जो बुर्जी हमारे भूसा की जो बुर्जी होती है उसको तोड़ा गया है, फाड़ा गया है, और उसके बाद कुड़ाली से उनके घिया जो लगे रहते हैं उनके निशान है कटने के, वो कटे हुए पड़े हैं। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर, हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए और बहुत जल्द से जल्द हमारे इसको पकड़ा जाए कि ये कौन है कौन नहीं है, इसके लिए हमें वो चाहिए सर। इसीलिए हमने 100 नंबर भी बुलाई, वो भी आके आई और वो देख के चले गई, और इंजन विंजन के जो ये आपने देखा है सब गिरे हुए पड़े हैं, और इनके लिए हमें मुआवजे का वो करना चाहिए कुछ, और इनको चोरों को पकड़ना चाहिए। हम इसका इतना ही कहना चाहते हैं।